नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं बताऊंगा मेटेरियलिस्टिक प्लेन। कुछ लोग इस प्लेन को जो है प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं, तो कुछ लोग इसको एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, कुछ लोग इसको मेटेरियलिस्टिक प्लेन कहते हैं। तो बेसिकली नंबर जो है 8, 1 और 6 जो लोशु ग्रिड के चार्ट में होता है, तो ये बताता है मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के बारे में, क्योंकि 8 भी अथॉरिटी, पावर, प्रॉस्पेरिटी लाता है। नंबर 1 नो डाउट ये सक्सेस का नंबर है। ज़्यादातर आप रिचेस्ट लोग के पास देखें, क्योंकि किसी भी हाई पोजीशन पर पहुंचने के लिए नंबर 1 का ज़रूरत होता है। 6 वो लग्जरी है जिसको लोग अवेल करते हैं। तो पैसा एक चीज़ होता है, लेकिन उस लग्जरी को इंजॉय करना एक चीज़ होता है। तो 6 में वो सारा चीज़ है जो कि इंजॉयमेंट के लिए लोगों को चाहिए। तो 8, 1, 6 जो है ये मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को बताता है, पैसे को बताता है और प्रॉस्पेरिटी को भी बताता है। और ये नंबर जो है ज़्यादातर जो अथॉरिटेटिव लोग होते हैं उसमें ये पाया जाता है, क्योंकि 6 भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, अथॉरिटी देता है, 1 भी पावर पोजीशन देता है, 8 भी जो है अथॉरिटी देता है। तो ये तीनों नंबर जो है लोगों को हेल्प करते हैं एक अच्छे स्टेटस और एक अच्छे जगह पर पहुँचने में। इसके अपोजिट अगर किसी के चार्ट में 8, 1, 6 नहीं पाया जाता है, तो बंदे का स्ट्रगल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि 1 के बिना जो है सक्सेस लेवल ऐसे ही थोड़ा सा लो हो जाता है, तो स्ट्रगल बढ़ जाता है किसी चीज़ को पाने का। 6 जो है वो चार्म है, चाहे रिलेशनशिप कह रहे हैं या लग्जरी कह रहे हैं या ये रहे, अगर वो भी चार्ट में मिसिंग है तो बंदे में ऐसे ही थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन और आलस और वो वाला चीज़ आने लगता है। 8 भी अगर मिसिंग है तो वो डिसिप्लिन भी ख़त्म हो जाता है उनके लाइफ से। तो 8, 1, 6 के लैक होने से, नहीं होने से बंदे में थोड़ा सा फेल्योर, कंसिस्टेंट फेल्योर या फिर डिले से सक्सेस मिलना ये देखा जाता है, और स्ट्रगल देखा जाता है। फाइनेंशियली थोड़ा सा उनको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो पैसे का नंबर है, वो अगर मिसिंग है। 6 भी जो है वो लग्जरी का नंबर है, 1 भी जो है वो है ये, बट अगर 5 है आपके चार्ट में तो समहाउ ये बैलेंस करेगा आपके पैसे वाले पार्ट को। लेकिन हाँ, एक स्ट्रगल जो रहता है वो कुछ बना रहता है, और सक्सेस हो सकता है आपको डिले से मिले, थोड़ा देरी से मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्लेन के ऊपर। ये वाला जो प्लेन है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ये बताया था कि लोशु ग्रिड कैसे प्रिपेयर करते हैं, और ये सारे प्लेन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं कि एक्शन प्लेन, विल प्लेन, थॉट प्लेन, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल प्लेन पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्विकली कि ये क्या होता है। अगर आप प्रैक्टिकल प्लेन के बारे में देखेंगे यहाँ पे, तो जिसके पास ये तीनों नंबर्स होते हैं उसे मेटेरियल सक्सेस मिलता है, एक्सेलेंस इन बिजनेस और कमर्शियल वेंचर उनका रहता है। मतलब पैसे वाइज जो है या फिर प्रोजेक्ट जो होते हैं, कमर्शियल सक्सेस जो होता है वो उनको मिलता है। लेकिन अगर ये नहीं रहते हैं तीनों नंबर, तो कॉन्स्टेंट फेल्यूर और लॉसेस इन फाइनेंशियल वेंचर, तो पैसे से रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रगल जो है ये बना रहता है। तो आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में इसी चीज को। तो ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा सबके चार्ट में ये तीनों नंबर रहे या तीनों नंबर नहीं रहे। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर रहता है, कभी कभी दो नंबर रहता है। अगर किसी के चार्ट में 8 है और ये नहीं है, तो वो बंदा जो है पैसे वाइज जो है, मनी वाइज फिर भी स्ट्रांग हो सकता है। ये 8 आपका नंबर्स जो है कम से कम 2 रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शनि जो है, ये नंबर 8 जो है सैटर्न का है, तो वो एक्सट्रीम नंबर है, तो वो कभी कभी जो है एक्सपेंस साइड भी जाता है और कभी कभी इनकम साइड भी जाता है। बट नंबर 8 जो है फिर है, इसमें फिर भी पावर है, अथॉरिटी, पावर, मनी, एसेट्स जमा करने का और बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा लाइफ पाथ नंबर वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारे नंबर्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ। तो वो बेस्ट वे है स्टार्ट करने का, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर किसी के चार्ट में 1 रहता है, 8 और 6 नहीं रहता, तो ये 1 फिर भी सक्सेस दिलाता है, ये सक्सेस का नंबर है। लेकिन इसको मूलांक या भाग्यांक में ये नंबर आए तो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये हर तरह का सक्सेस लेकर के आता है, लग्जरी भी लेकर के आता है, पैसे भी लेकर के आता है, एसेट्स, प्रॉपर्टी, सारा चीज दिलाता है। ये फिर भी स्ट्रांग नंबर है, फिर भी आप लाइफ पाथ नंबर देख के ज्यादा समझ सकते। अगर 6 किसी के चार्ट में रहता है और 1 और 8 नहीं रहता,
तो नंबर सिक्स जो है ये लग्जरी लेके आता है, लेकिन नंबर सिक्स जो है सिंगल होना चाहिए। ये जब बहुत बार रिपीट होने लगता है सिक्स, एक से ज्यादा बार रिपीट होने लगता है, तो जाकर के ये प्रॉब्लम करता है। तो लग्जरी को जो है ये रिड्यूस कर देगा। और हस्बैंड वाइफ स्पाउस अपोजिट सेक्स से जो है नैगिंग जिसको कहते हैं, झगड़ा लड़ाई भी स्टार्ट करवा देता है, और हेल्थ इश्यूज भी प्रॉब्लम देता है, और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो ये देखना है कि ये जो नंबर है सिक्स की, ये सिंगल रहे तो ही अच्छा, ज्यादा आने पे ये डिस्टर्ब करता है। अब समझते हैं कि क्या हो कि अगर दो नंबर साथ में, मतलब कि 8-1 अगर साथ में हो, या 1-6 साथ में हो, या 8 और 6 साथ में। तो अगर 8-1 साथ में रहता है तो ये नंबर जो है पावर, अथॉरिटी, ये सब चीज के लिए बहुत अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट एट द सेम टाइम ये नंबर जो है लोगों के लाइफ में इंसल्ट लेकर के भी आता है। ऐसे लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं ज्यादा, और करते भी हैं, तो जॉब स्विच भी बहुत ज्यादा इनके लाइफ में देखा जाता है, क्योंकि इनको पावर अथॉरिटी पोजीशन चाहिए, तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि नंबर 1 और 8 जो है बेसिकली अपोजिट काइंड ऑफ नेचर रखते हैं। तो नंबर 1 गवर्नमेंट बताता है, तो 8 अगर स्ट्रांग है 1 से, तो गवर्नमेंट से भी इश्यूज होते हैं, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट से इश्यूज होते हैं, या फिर जो पावरफुल पर्सन है वो इनको ट्रबल करने की कोशिश करेगा एक बार एटलीस्ट तो जरूर। इस और 1 और 8 जो कॉम्बिनेशन है वो वाइफ स्पाउस जो है उसको भी हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करता है, क्योंकि नंबर 8 में हेल्थ इश्यूज रिलेटेड चीज जो है इनबिल्ट होते हैं, तो ये उस जगह पे भी इम्पैक्ट करता है। अब समझते हैं कि अगर किसी के चार्ट में 1 और 6 रहता है तो क्या होता है। 1-6 जो है बेसिकली लग्जरी को तो बढ़ा देगा, रॉयल भी बना देगा, क्योंकि नंबर 1 में भी रॉयल वाला नेचर, 6 में भी लग्जरी है, तो वो पार्ट तो सही है, लेकिन ये मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, और यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट, तो ये इसके कारण जो है ये वहां पे हेल्थ इश्यूज आने की कोशिश करता है। बट अदरवाइज पैसे वैसे वाइज जो है ये चीज ठीक रहता है। फाइनेंशियल साइड भी जो है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन शुरू में लाता है, लग्जरी तो लाता है, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल अप एंड डाउन भी, अप्स एंड डाउन क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब समझते हैं कि अगर 8 और 6 किसी के चार्ट में होता है तो क्या होता है। तो अगर 8 और 6 किसी के चार्ट में रहता है तो मनी वाइज तो फिर ये अच्छा नंबर है, क्योंकि 1 तो पैसे लेकर आ रहा है, एसेट्स लेकर के आ रहा है, लैंड प्रॉपर्टी, और 6 जो है उसमें और बढ़ा रहा है, लग्जरी ला रहा है, तो मनी वाइज ये तो अच्छा है। लेकिन 8 और 6 जो है ये हेल्थ वाइज जो है इश्यूज करते हैं, तो आईज रिलेटेड प्रॉब्लम और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम। ये 1 और 6 जो मैंने पिछले कॉम्बिनेशन में नहीं बताया, 1 और 6 में भी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 1 में भी आईज का प्रॉब्लम देखा जाता है, और 6 तो रेटिना होता है, 6 जो है ये वेनस का नंबर है, ये रेटिना है, तो ये 1 और 6 में भी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जाते हैं, और 8 और 6 में भी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों हेल्थ इशूज करता है, तो आईज और यूरिन रिलेटेड इशूज जो है दोनों में देखे जाते हैं। बट ओवरऑल जो है पैसे से रिलेटेड ये चीज अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस प्रैक्टिकल प्लेन के ऊपर। आने वाले वीडियो में मैं ये दो वीडियो कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, अगला जो कि वन सॉर्ट ऑफ राजयोग है, कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रहता है तो ज्यादातर सक्सेस दिलाता है। मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो ये था मेरा एनालिसिस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाएं, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोसो ग्रेड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग एलॉन्ग विद दैट और प्रश्ना उसमें पाएंगे। तो बेसिकली ये 6 सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो कि आपको मिलेगा, और ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल की jayantkumar@astrobasic.com पे या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू, क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूँ ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाई स्टेप लर्निंग कैलकुलेशन और डिस्क्रिप्शन दिए। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए, अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।